नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने ही YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टर सूरज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो बनाने का मेरा कोई ज़्यादा बड़ा मकसद नहीं है या फिर कोई ज़्यादा बोले तो कुछ भी नहीं है। बस सोचा कि थोड़ा सी नॉलेज मुझे कहीं से मिली है, मैंने किसी से सुना है नॉलेज, तो मैं सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यही सोच के मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। ऐसे घर में था तो घर पे ऐसे फ्री बैठा हुआ था तो कुछ बातें आई दिमाग में। एक तो क्यों ना आप सब के साथ शेयर किया जाए, शेयर करने वाली बातें हैं तो सोचा कि आपको बता दूं। मैं जानता हूँ दोस्तों, ये कुछ बातें बहुत सारे लोगों को पता है और जिन जिनको पता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए भी ये वीडियो है दोस्तों। थोड़ी सी सोचने वाली बात है और छोटी सी बात है, ज़्यादा लंबी बात नहीं खींचूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो सीधा पॉइंट पे आता हूँ दोस्तों, क्योंकि टाइम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लाइफ में हमेशा दो चीज़ें, और दो चीज़ें बहुत ही आसान भी है और बहुत ही कठिन भी है। तो मैं आपको दो चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें जो आसान है वो बता देता हूँ और कौन कौन सी चीज़ें जो कठिन है वो बता देता हूँ। पहली चीज़ तो दोस्तों, किसी को हंसाना बहुत कठिन है और अपना वेट कम करना बहुत कठिन है दोस्तों। किस पहली बात, किसी को हंसाना और अपना वेट कम करना बहुत कठिन है। ठीक उसी के अपोजिट किसी को आसान बातें, ये तो थी मुश्किल बातें, अब आसान बातें। बहुत आसान है किसी को रुलाना और बहुत आसान है अपना वेट बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, तो आज यही सीरीज, यही दो बार टॉपिक की बात करने वाला हूँ मैं आपको। क्या होता है कि हम किसी को बहुत मुश्किल से हंसा पाते हैं, अगर हंसाना चाहे तो बहुत मुश्किल से हंसा पाते हैं, और किसी को रुलाना चाहे तो बहुत आसानी से रुला सकते हैं। तो मैं सजेशन देना चाहूँगा दोस्तों, जिनको पता है भाई बहनों की, हो सके तो लोगों को हंसाएं, उनके इंटरटेनमेंट करें, इंटरटेन करें और सबको हैप्पी रखें। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत मुश्किल है वेट लूज़ करना और बहुत ही आसान है वेट बढ़ाना, तो हो सके तो जितने आपको प्रतिदिन एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, व्यायाम करते रहना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी फिटनेस बनती रहे। ओके दोस्तों, तो बस यही दो छोटी सी बातें हैं जो आप लोग तक लाना थी। तब तक के लिए जय हिंद।